हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग PUBG PC LITE को अपने PC पर कैसे एंजॉय कर सकते हो विदाउट ग्राफिक कार्ड। तो दोस्तों, ये गेम थाईलैंड के लिए लॉन्च हुआ है, अभी बीटा टेस्टिंग वर्जन में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल जैसी कंट्रियों से बिलोंग करते हैं तो हम अपने PC पर इस गेम का एंजॉय नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों। कैसे आप लोगों को अपने PC के अंदर विदाउट ग्राफिक कार्ड इस गेम को डाउनलोड करना है, उसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। और दोस्तों, जो मैंने ग्राफिक कार्ड का गिव अवे किया था वो बहुत ही जल्दी किसी ना किसी को एक कन्फ्यूजन है थोड़ा सा यार, काफ़ी सारे कमेंट आए, उनमें से कोई भी एक कमेंट पिक करके मैं वो ग्राफिक कार्ड आप लोगों तक पहुँचा दूंगा, जिसका भी कमेंट में नाम आएगा लकी विनर का। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जो ये आप ये गेम देख रहे हो, ये है PUBG PC LITE। और दोस्तों, इस गेम की साइज़ है यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 2 GB, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से जो पहला लिंक है उसको यहाँ सिंपली कॉपी कर लेना है। और आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को चलिए लिंक पहले कॉपी कर लेता हूँ, और सारे लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरा मेंटेन कर दूंगा कि आप लोग इसको कैसे डाउनलोड करके खेल सकते हो ये बीटा टेस्टिंग वर्जन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर दिया। दोस्तों, जैसे ही हम इस लिंक को पेस्ट करेंगे हम पहुंच जाएंगे PUBG की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये यहाँ पे देखिए थाईलैंड में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को सिंपली यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुका है, मैंने किया स्क्रॉल डाउन और आप लोग देख सकते हो ये आप लोगों की सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपके PC में 4-core प्रोसेसर एंड 8 GB की रैम है तो आप लोगों को कोई भी ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे PC के अंदर 4-core प्रोसेसर और 8 GB की यहाँ पे रैम है, ठीक है। इसीलिए मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे PC के अंदर ये गेम चल गया और मैं इसको 2-3 बार मैंने इसको खेला भी है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ड्यूल कोर प्रोसेसर या 4 GB की रैम है तो आप इसको बिल्कुल ट्राई ना करें, आपका डेटा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फिर ग्राफिक कार्ड चाहिए। दोस्तों, ये सब करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पे बनाना है एक अपना अकाउंट। दोस्तों, अकाउंट बनाना इसमें काफ़ी ज़रूरी है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, फिर आप लोगों को कन्फर्म ईमेल एड्रेस डाल देना है, फिर आप लोगों को पासवर्ड डालना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डालना है, फिर आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर आई एग्री एक्सेप्ट करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको यहाँ से क्लिक करोगे तो आप लोगों को PUBG वाले एक मेल भेज देंगे, तुरंत ही भेज देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना मेल ओपन किया, देखते हैं मेरे पास मेल आया है कि नहीं आया। तो दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हो PUBG वालों का एक मेल आ चुका है। आप लोगों को सिंपली इस मेल को करना है यहाँ से ओपन। ओपन करोगे तब आप लोगों को यहाँ से एक सेटअप डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, सेटअप की साइज़ यहाँ पे 60 MB की होगी, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा, और आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को सेटअप दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है मेरा यहाँ पे सेटअप, ठीक है। तो मैं इस सेटअप को यहाँ पे आप लोगों को सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को आएगी नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर किया डबल क्लिक, और डबल क्लिक करते ही आप लोग देखोगे, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और बस अब यहाँ से आप ड्राइव चूज कर लेना है और आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और बस आप लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। 60 MB का एक लॉन्चर है, ठीक है। इसी की मदद से हम अपने जो 1 GB की जो PUBG लाइट है, PUBG लाइट वर्जन, उसको अपने PC के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को ये माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एप्लीकेशन है C++ का, ये डाउनलोड करने के लिए कहेगा, ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। दोस्तों, अब आपको अपने सेटअप को ओपन नहीं करना है, अभी आप लोगों को मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर जाना है और दूसरी वाले लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। जब आप इस दूसरे लिंक को कॉपी करके आप लोगों को सिंपली अपने कोई भी ब्राउज़र के अंदर वापस से एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करके आप लोगों को सर्च कर लेना है। सर्च जैसे ही करोगे तो आप लोग यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा एक VPN का सेटअप। तो दोस्तों, ये 60 MB का एक VPN का सेटअप है और काफ़ी अच्छा VPN है, और आप लोगों को काफ़ी अच्छी स्पीड भी मिल जाएगी यहाँ से, एकदम फ्री है। और यहाँ पे मैं इसको ओके कर लेता हूँ। और दोस्तों, मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, चलिए मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पे है मेरे पास जिप फाइल, या VPN की जिप फाइल है। चलिए मैं इसको भी एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इससे पहले मैंने इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और मैं इन सारी फाइलों को यहाँ सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओ सिट, तो सॉरी, गलती से मेन फाइल भी डिलीट हो गई मेरी। तो मैं इनको यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इन फाइलों को डिलीट कर देता हूँ पहले,
ठीक है। और फिर मैं आप लोगों के यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने डिलीट कर ली और मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर कर लिया और दोस्तों ये मेरी यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। और दोस्तों ये है मेरे पास यहाँ पे इसकी मेन सेटअप फाइल, ठीक है। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप लोगों को इसको भी इंस्टॉल कर लेना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। इंस्टॉल करते वक्त आप लोगों का नेट ऑन होना चाहिए, बस इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों का 2.5 GB के अंदर तो ये पूरा सेटअप पूरे आप गेम खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जैसे एक हम सिंपल सा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, बस उसी तरह आप लोगों की इस VPN को भी इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ये इंस्टॉल होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और यहाँ पे ओके कर देना है और ओके कर देना है। और यहाँ से आप लोगों को ओके करके आप लोगों को कोई भी थाईलैंड का सर्वर चूज़ कर लेना है और यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। दोस्तों अब ये आप लोगों का जो सर्वर है वो थाईलैंड के सर्वर से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। कुछ टाइम ले सकता है, 2-3 मिनट का टाइम लेगा ही लेगा ये, ठीक है। तो जैसे कनेक्ट होता है आगे क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कनेक्ट होगा मैं आप लोगों को आगे की प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है और मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से क्लोज। तो दोस्तों अब आप अपने सेटअप को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सबसे पहले अपना ID पासवर्ड डाल दीजिए। जो आपने उसकी वेबसाइट पर जो ID पासवर्ड क्रिएट किया था वही ID पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। और ये देख सकते हो फिर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोगों को ये पीला कलर का येलो कलर का इस पर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे 1 GB की फाइल यहाँ पे डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी और यही हमारी PUBG की मेन फाइल है। ये आपके कुछ इंटरनेट की स्पीड पर भी अब डिपेंड करता है। जैसा आपका अच्छा इंटरनेट होगा वितनी स्पीड से जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को सिंपली अपना PUBG के अंदर अकाउंट बनाना है और इसको खेलना स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते किसी अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।